हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, अपने बात कर रहे हैं रेलवे में आई है बहुत ही भरी भर्ती। जी हां फ्रेंड, जैसा आप सुन भी रहेंगे कि बहुत ही भरी भर्ती निकाली जाएगी, तो मैं आपको बता दूं कि 1.31 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती इसी महीने जारी कर दी जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन पीयूष गोयल ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और EWS में 10% कोटा भी इसमें शामिल किया गया है इस भर्ती में। तो जनरल वालों के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनकी इनकम कम है, उनके लिए 10% कोटा यहाँ पर अलग से रखा गया है। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इस दिन जारी होगा नोटिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में एकदम बात सच्ची रहती है, तो मैं आपको बता दूंगा कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसकी नोटिफिकेशन कब आ रही है। तो आगे इस वीडियो में बने रहिए फ्रेंड। तो हो जाओ रेडी नौकरी के लिए, क्योंकि फ्रेंड अगर आप ALP में, अगर आपका नंबर थोड़ा कम आया है ग्रुप डी में, थोड़ा कम आया, तो इस बार नौकरी के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि रेलवे फिर से भर्ती निकालने जा रहा है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए विजिट किए हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं पूरी। तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये न्यूज जो है वो जनसत्ता वेबसाइट की तरफ से है। तो चुनाव से पहले रेलवे में 1.31 लाख पर भर्तियां जारी होगी, इसी महीने आ सकता है विज्ञापन। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते होंगे 11 फरवरी रात के 9 बजे का ये खबर है। तो मैं आपको पूरी खबर दिखा देता हूँ कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको वही दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक लाइन पढ़कर बता रहा हूँ। बहरहाल, इन सब के बीच भर्तियाँ रेलवे में नौकरियों की बाहर आने वाली है। इसी साल मई महीने तक रेलवे में 2.5 लाख वैकेंसी निकालने का काम जो वो पूरा कर लिया जाएगा। कुछ ही दिनों पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बताया था कि यह नियुक्ति 2 चरणों में होगी। जी हां फ्रेंड, पहला चरण फरवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और दूसरा मई में। तो अब खबर यह है कि रेलवे में करीब 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियों के लिए इसी साल नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। और आप यहां पर देख सकते होंगे फ्रेंड कि NDTV से बातचीत करते हुए बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 1,31,428 पद, आप देख सकते हैं 1,31,428 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। फिलहाल हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, आप देख सकते होंगे फ्रेंड यहाँ पे लिखा गया है, फिलहाल हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 23 फरवरी को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, अभी तक आप जितना भी यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो कोई भी नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया है। लेकिन सिर्फ ये बयान आया है कि जारी होगा, लेकिन अभी तक कोई जारी नहीं किया गया है। जो पहला नोटिफिकेशन जारी होगा, आप देख सकते होंगे फ्रेंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही जो फर्स्ट नोटिफिकेशन होगा वो जारी किया जाएगा। तो वो कब जारी किया जाएगा? 23 फरवरी 2019 को। जी हाँ फ्रेंड, अभी समय है 23 फरवरी आने में। तो 23 फरवरी को पहला नोटिफिकेशन जो होगा वो जारी किया जाएगा 1,31,428 पदों को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड, और वो भी मैं आपको बता दूँ कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 23 फरवरी को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आपको संक्षिप्त में बताया जाएगा कि इसमें क्या करना है, कितने चरण होंगे, किस किस पोस्ट के लिए जॉब निकाली जाएगी। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया जाएगा और बाकी डिटेल आपको कुछ दिन बाद यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या इसमें फीस लगेगी, कब तक डेट रहेगा, लास्ट डेट कब तक भरने की इसकी तिथि रहेगी। तो यहाँ पे पूरी बात मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि 23 फरवरी को इसका पहला नोटिफिकेशन आप देख पाएंगे, वो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। तो ऐसी कोई भी खबर आपको यूट्यूब पर मिले तो विश्वास मत करिएगा कि नोटिफिकेशन आ गए। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ही पहली नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, वो भी 23 फरवरी को। और यहाँ लिखा गया, जबकि डिटेल में नोटिफिकेशन जारी करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी हमें हर विभाग में कितने पदों पर भर्ती होनी है इसकी गणना करनी होगी, साथ में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण नियमों को भी लागू करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि मैं बात कर रहा था शुरू में 10% EWS कोटा के लिए, तो जिनके परिवार की औसत इनकम जो है वो 8 लाख से कम है सालाना इनकम, तो उनको 10% का EWS की तरफ से यहाँ पे छूट मिल जाएगा फ्रेंड। तो जी हाँ फ्रेंड, अगर आप भी आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो पहले फेज में 1,31,428 पद, जबकि दूसरे फेज में 99,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। दूसरी फेज के लिए भर्ती इस साल 2020 में होगी। जाहिर है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर चौथरपा गिरी हुई है सरकार। तो यहाँ पे चुनाव से पहले ये सब कुछ जारी करने वाला है रेलवे की तरफ से। तो मैं आपको बता, अभी चुनाव भी आने वाला है, इसी को नजर में देखते हुए कि नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द आपका आ जाएगा और पहला नोटिफिकेशन आपको 23 फरवरी को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखने को मिलेगा फ्रेंड। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जितने लोग भी फ्रेंड हमारे हैं वो देख पाए कि नोटिफिकेशन जो पहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में 23 फरवरी को जारी किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।